अस्सलाम वालेकुम, लाइव न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद तारिक। ख़बर शामिल करते हैं आज सरगोधा की मंडी मवेशियाँ से। आज यहां पे तीन किस्म के अजीब कंडीशंस हमारे सामने हैं। एक तो ये कि मुल्क की हालात इतने ख़राब हैं कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है कुर्बानी, वो इतनी ताकत नहीं रख सकता कि ये कुर्बानी परचेज़ करे। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। दूसरी ये कि मुल्क में इस वक्त बीमारी जो जानवरों में एक फैली हुई है उसका बहुत बड़ी अफवाह है, या शायद ये कोई बेसिकली कुछ चीज़ ऐसी है। और तीसरी जो कि बहुत ही मतलब इस पे हम अफसरदा भी हैं और हमें हमदर्दी भी है उन लोगों से जो लोग अपने ये जानवर लेके मार्केट में आए हुए हैं। तो इन लोगों ने बड़ा अरसा लगा के ये जानवर पाले हुए होते हैं, इनका अच्छा खासा पैसा लगा हुआ होता है, और फिर कहीं ना कहीं लोगों की कोशिश होती है कि एक साल के बाद हम लोग जब ये बेचेंगे तो हम इनसे अपने बहुत से अखराजात पूरे करेंगे। लेकिन मुल्क की हालात की वजह से और बीमारी की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। लाइव न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारे जो परचेज़र हैं, कस्टमर हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इनके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें। मंडियों के हालात अभी अच्छे नहीं हैं। हमारे कैमरामैन आपको वीडियो में दिखाएंगे कि इस वक्त मंडियों क्या हालात है। हमारी दूसरी वीडियो इंशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद मंडियों के हवाले से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।